आफ्टरनून दोस्तों, सो बास्ट एट पम इंजन दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जो डेली का रूटीन होता है सब आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सो बास्ट एट पम इंजन। अभी बादशाह चिल्ला रहा है दोस्तों, क्योंकि बाहर नहीं निकाला बादशाह को, और किंग बाहर घूम रहा है। देखिए दोनों में फाइट चालू ही रहती है अभी तक, और यहाँ पे हमारी छोटी गैंग आ रही है। देखिए पूरे फार्म में घूमते रहते हैं, और ये बड़े हैं थोड़े दिन से, ये भी बच्चे हैं, और यहाँ पे हरे चारे की मौज लेते हुए। और वहाँ पे चेतक अपनी मौज में, देखिए पूरे फार्म में घूमता रहता है। देखिए दोस्तों दोपहर का टाइम, सभी घोड़ों को पानी पिला रहा है बच्चा, और चोगराज खाना खाने के लिए बैठे हैं, बच्चा पानी पिला रहा है सभी अश्वों को। देखिए लाल सोनल चारे का लुत्फ उठाती हुई दोस्तों, चारा खाती हुई। और वहाँ पे अर्जुन देखिए बाहर घूम रहा है, और पद्मा को हमने बांध दिया है क्योंकि तूफान बहुत करती है, अर्जुन कहीं पे चला जाता है दोस्तों। और यहाँ पे चेतक देखिए आराम कर रहा है दोपहर के टाइम पे, और अर्जुन घूम रहा है सभी घोड़ों के पास और गौ माताओं के पास। अभी अर्जुन को भी आदत हो गई है सबकी सभी जगह पे घूमता रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों किंग अपनी मौज में, और बस वहाँ पे चिल्ला रहा है, और किंग यहाँ पे दोनों का दबदबा है पंप पे। अभी देखिए बादशाह की आवाज भी आ रही है होगी आपको। जोगराज और दोनों खाना खा लिया है, चल भाई खाना खा लिया। मारू माथो बुलुक तू ना खा, जोगा में मारू सिर के खराब कर दिया। क्या किया? तो कारिया रह गया। हां बड़ी अच्छा नहीं है वो, अच्छा नहीं है, रोटी मजा नहीं आता है। फिर आपने क्या किया? मैं वो ठीक ना भी खा ले, काला अच्छा बनाएगा। हां क्या करूं अभी, और कुछ और कोई कभी शांति है जुआने क्या बुढ़ा है मेरी जा सके जुआने कैसा खड़ा है देख, मैं ऐसे देता था ना दीवार कूद जाता था, उधर जाता था मैं। यहाँ पे अभी मुर्गी ने अंडा दिया, इसलिए ये चिल्लाते हैं क्योंकि ये अंडे देती है तो ऐसे चिल्लाती हैं मुर्गियाँ। देखिए और यहाँ पे बैठी है एक मुर्गी अंडों पे, और दूसरी चिल्ला रही है देखिए, और अंडे देते हैं तो अक्सर ये चिल्लाती रहती हैं मुर्गियाँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों बोचा अभी जारी लेके आया है, क्योंकि इसमें मछली के बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं पकड़ के, और पकड़ के उस टांके में हम छोड़ेंगे, और बहुत बड़े हो गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारा बुज्जो बांधा हुआ है, और बुज्जो को आपको नहीं दिखाते क्योंकि यहाँ पे बांधा रहता है बादाम के पास, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है घोड़ों पर और गौ माताओं पर, इसलिए हम यहाँ पर बांधते हैं और रात के टाइम पर ही खोलते हैं बुज्जो को भी। डोली भी देखिए दोस्तों, बोचे को देखती है तो खुश हो जाती है क्योंकि बोचा ही इनको खाना देता है और पानी देता है। अभी तूफान कर रही है देखिए, और बोचे थे बहुत ही ज़्यादा, टाइगर डॉली और रॉकी और बुज़ो सब खुश होते हैं बोचे से, क्योंकि बोचा ही इनका देखभाल करता है पूरे दिन। इसने दोस्तों काफ़ी मेहनत की, और मछलियाँ के सिर्फ एक ही बच्चा पकड़ में आया, और इसमें 25 या 30 मछलियाँ हैं। जब पानी कम होगा तभी बोचे को पकड़ने देंगी, अभी चारी लेके आया था, बहुत ही मेहनत की, सिर्फ एक ही हाथ में आई हमारे। अभी इसको हम बड़े टांके में छोड़ेंगे दोस्तों। अच्छा अपनी जिद नहीं छोड़ता, देखिए दोस्तों अभी अकेले आके 3 मछलियां पकड़ लिए, और मुझे चिल्ला रहा था आप आओ दिखाओ, और देखिए 3 मछलियां और पकड़ लिए छोटे बच्चे ने, और इसके जैसी बच्चियां हैं सब छोटी हैं। धीरे धीरे बोचा अकेला पकड़ लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है अभी इसमें, बोचा अकेला ये सब मछलियों को पकड़ेगा, बच्चों को जितने बच्चे हैं छोटे छोटे इसमें। और यहाँ पे देखिए अभी बोचे ने पानी शुरू कर दिया है, और फ्लो कर रहा है इसको। अभी इसमें छोटे बच्चे 4 छोड़े हैं बोचे ने, इसलिए अभी गया था
अभी मोटर का वाली साइड घुमाया बच्चे ने। देखिए अभी इस टांके को परसों धोया था हमने, फिर से ऐसा कलर हो गया है। अभी देखिए ओवरफ्लो होना शुरू हो गया दोस्तों, फुल पानी का टांका भर गया है। इसमें अभी पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि इमली के पेड़ के, और बहुत ज़्यादा पत्ते अभी गिरते हैं इस टांके में दोस्तों, इसकी वजह से ये पानी ख़राब हो जाता है। देखिए दोस्तों शाम का टाइम, अभी सभी गऊ माता आ चुकी हैं और खड़भूसा खा रही हैं, हमारी सबसे लाडली गऊ माताएँ लक्ष्मी माँ और शिवा अपनी मौज में दोस्तों। अभी खुश होंगे क्योंकि अभी दूध पीने का टाइम हो गया इन सभी का। तो बास्टर्ड फार्म मीनार दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कल एक नए ब्लॉग के साथ आपसे जुड़ते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सो बास्टर्ड फार्म मीनार।